अहमदाबाद किसानों के समर्थन में उतरी शिवसेना दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के आंदोलन में शामिल होने का लिया निर्णय। आपको बता दें कि करीब 75 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का धरना अपनी मांगों को लेकर लगातार जारी है। वहीं मुरादाबाद में भी अलग अलग संगठन के लोग अपने अपने स्तर से किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता सिविल लाइन के अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए और किसानों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे धरने में शामिल होने का निर्णय लिया गया। वह ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित भी किया गया, जिसमें शिवसेना द्वारा मांग की गई कि किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे बिना शर्त तत्काल वापस लिए जाए। किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए सभी किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। वही जानकारी देते हुए जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बताया, आज शिव सैनिक अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन से किसानों के समर्थन में धरना देने के लिए दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं। ज्ञात हो कि शिव सैनिक तीनों कृषि बिल तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं और किसानों का धरना तत्काल समाप्त किया जाए, शहीद हुए किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाए और शहीद हुए किसानों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। यदि शीघ्र ही मांगें पूरी नहीं की गई तो शिव सैनिक भी अनिश्चितकालीन के लिए दिल्ली में धरने पर बैठेंगे।